हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज पे बेस्ड हमारा ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे परसेंटेज के, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 20% ऑफ डॉलर्स प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री वेयर डिफेक्टिव, 25% ऑफ द रिमेनिंग वेयर डैमेज। इफ 4800 डॉलर्स वेयर लेफ्ट ओवर, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ डॉलर्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझे। एक फैक्ट्री है जो डॉल्स को प्रोड्यूस करती है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा कि 20% डॉल्स जो है डिफेक्टिव हो जनरेट हो रही है, राइट। जो रिमेनिंग डॉल्स हैं, उनका 25% डॉल्स जो है डैमेज हो जा रहा है और टोटल लेफ्ट डॉल्स आपके 4800 है। देन आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ डॉल्स जो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है वो कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ डॉल्स जो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है हमें नहीं मालूम, ठीक है। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कंसीडर कर लेते हैं किस अननोन नंबर को, राइट। तो लेट फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड एक्स डॉल्स, एक्स नंबर ऑफ डॉल्स। ओके, हमने एक्स नंबर ऑफ डॉल्स कंसीडर कर लिया, फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है। 20% ऑफ डॉल्स प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री वेयर डिफेक्टिव, तो ये पता कर लेते हैं कितनी डॉल्स डिफेक्टिव हो रही है। तो डिफेक्टिव डॉल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20% ऑफ एक्स होगा, मतलब एक्स का 20% डिफेक्टिव है, दैट मीन्स 20 / 100 इंटू एक्स। ओके, 25 / 100 होता है, तो दिस इज इक्वल टू आपका आ गया x/5। इतनी डॉल्स आपके क्या हो रही है, डिफेक्टिव हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें। 25% ऑफ द रिमेनिंग वेयर डैमेज, रिमेनिंग डॉल्स कितनी है। सबसे पहले रिमेनिंग फाइंड आउट कर लें। रिमेनिंग डॉल्स क्या होगा, रिमेनिंग डॉल्स कितनी होगी स्टूडेंट्स। टोटल डॉल्स एक्स प्रोड्यूस कंपनी फैक्ट्री कर रही है, जिसमें से x/5 क्या है, डिफेक्टिव है, तो रिमेनिंग x - x/5 हो जाएगा। बात समझ में आया। कंपनी जो है, सॉरी कंपनी या फैक्ट्री बोल रहे, फैक्ट्री x नंबर ऑफ डॉल्स प्रोड्यूस कर रही है, आपने कैलकुलेट कर लिया डिफेक्टिव नंबर ऑफ डॉल्स x/5 है, x में से x/5 डॉल्स डिफेक्टिव हो गई, तो रिमेनिंग डॉल्स कितनी लेफ्ट होंगी, x - x/5 होगा, x/5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5 × x, 5x - x / 5 इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4x/5 आ जाएगा, 4x/5 रिमेनिंग डॉल्स है। अब कह रहा है कि 25% ऑफ द रिमेनिंग वेयर डैमेज, मतलब कि जो रिमेनिंग डॉल्स 4x/5 है, इसका 25% डैमेज हो रहा था। नंबर ऑफ डैमेज डॉल्स फाइंड आउट कर लें। डैमेज डॉल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25% ऑफ 4x/5। ओके, इसे सिंप्लीफाई कर लें, 25/100 मल्टीप्लाई 4x/5, 25 × 4 = 100 हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू x/5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, x/5 जो है डैमेज डॉल्स है, तो लेफ्ट डॉल्स आप पता कर लें। ओके स्टूडेंट, लेफ्ट डॉल्स कितनी होंगी, लेफ्ट डॉल्स, लेफ्ट डॉल्स कैसे पता करेंगे स्टूडेंट। देखिए जो x/5 डॉल्स डैमेज हो रही है वो किसका है, 4x/5 से हमने कैलकुलेट किया ना, तो लेफ्ट डॉल्स होंगे
फोर एक्स पावर फाइव माइनस एक्स पावर फाइव, तो यहां से आ जाएगा आपका थ्री एक्स पावर फाइव, ओके, फोर एक्स माइनस एक्स, थ्री एक्स पावर फाइव, ये आ गया, क्लियर। अब लेफ्ट डॉस कितनी है, 4800 है, दैट मीन्स 3x पावर 5 को 4800 से कंपेयर कर लीजिए, देयरफॉर आपका हो जाएगा 3x पावर 5 इज इक्वल टू 4800, तो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 को 48 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, ऐसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, 3 से इसको डिवाइड करें, 3 1 3 3 6 18, ओके, और 16 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा, 88,000 टोटल नंबर ऑफ डॉस जो है फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ डॉस प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री विल बी 8,000, ओके स्टूडेंट्स, तो इसे नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, थैंक यू स्टूडेंट्स।